दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों क्या खबर है इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, 5 लाख लोगों का नाम ग्रीन कार्ड में जोड़ा जाएगा। और देखिए दोस्तों, मैं ऐसे कुछ भी नहीं कहता, आप लोगों को मैं न्यूज़ दिखा देता हूँ जिसमें यह खबर लिखा हुआ है कि 5 लाख लोगों का नाम जोड़ा जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये ABP न्यूज़ का खबर है और इसमें आप खुद देख लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 लाख लोगों के नाम और जुड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, झारखंड सरकार का जो कैबिनेट बैठक होता है उसमें ये फैसला लिया गया है। अब ये देखिए, पढ़ के आपको बताता हूँ। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में ग्रीन राशन कार्ड धारकों के लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी गई। राज्य में अब ग्रीन राशन कार्ड धारकों की लिस्ट में 5 लाख नए नाम जोड़े जाएंगे। दोस्तों यहाँ साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि 5 लाख नए नाम जोड़े जाएंगे, मतलब जो ग्रीन राशन कार्ड है उसमें 5 लाख नाम और जुड़ेंगे। देखिए दोस्तों, लाल कार्ड और पीला कार्ड के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन ग्रीन कार्ड के बारे में न्यूज़ है कि इसमें 5 लाख नाम जोड़ा जाएगा। और अगर आप ग्रीन राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो जल्दी ही अप्लाई कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि नाम जुड़ने वाला है। और आपको कैसे अप्लाई करना होगा ग्रीन कार्ड के लिए, मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा ये ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, पहले आपको आहार झारखंड का वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ये देखिए वेबसाइट क्या है, आहार डॉट झारखंड डॉट गोव डॉट इन, ये वेबसाइट पे आपको जाना है, ठीक है। ये वेबसाइट पे जाएंगे ना तो वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करके लिखा हुआ आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पे जाएंगे तो उसके बाद फिर एक नया ऑप्शन मिलेगा आपको, अप्लाई फॉर न्यू राशन कार्ड। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अप्लाई फॉर न्यू राशन कार्ड। इसी न्यू राशन कार्ड पे आपको जाके क्लिक करना है और आपको अपना डिटेल्स उसमें भरना है। सब कुछ डिटेल्स भरने के बाद, आधार कार्ड नंबर जो भी आपको मांगा जाएगा वो सब डालने के बाद, आपको करना क्या है कि उसका प्रिंट आउट कॉपी निकाल लीजिएगा। सब कुछ भर लिए फिर उसका प्रिंट आउट कॉपी जो निकलता है लास्ट में, सॉरी दोस्तों, प्रिंट आउट कॉपी को निकाल के आप एक ब्लॉक में जमा कर दीजिए, आधार कार्ड और उसका प्रिंट आउट कॉपी, ये जो फॉर्म भरे हैं इसका प्रिंट आउट कॉपी को ब्लॉक में जमा कर दीजिए। और वहाँ पूछ लीजिए कि कब तक होगा ये वहाँ से पूछ लीजिए, क्योंकि दोस्तों पहले ब्लॉक से अप्रूव होगा आपका जो ये एप्लीकेशन है राशन कार्ड का, पहले ब्लॉक से अप्रूव होगा फिर जाके अनुमंडल से अप्रूव होगा, मतलब ब्लॉक में BSO ऑफिसर जो है वो अप्रूव कर देंगे आपको आपके राशन कार्ड को, फिर जाके DSO ऑफिस में जाएगा, अनुमंडल ऑफिस में, वहाँ पे जाके DSO अप्रूव कर देंगे तो आपका राशन कार्ड तैयार हो जाएगा, आपको राशन कार्ड मिल जाएगा। राशन कार्ड नंबर मिल जाने का मतलब ही है कि आपका राशन कार्ड बन गया। फिर उसका प्रिंट आउट कॉपी आप नेट से निकाल लीजिएगा, नेट आप ये वेबसाइट जो मैंने बताया आहार झारखंड, इसी वेबसाइट से निकलेगा। ये वेबसाइट पे जाके आप प्रिंट आउट कॉपी निकाल लीजिएगा और राशन कार्ड, दोस्तों ये वेबसाइट पे आप प्रिंट आउट कॉपी जो निकालेंगे ये वेबसाइट से राशन कार्ड का, आप डीलर को दिखाएंगे तो डीलर आपको जो भी राशन है, जो भी अनाज है, आपके जितने मेंबर हैं फैमिली में उसके हिसाब से आपको राशन दे देंगे, ठीक है। दोस्तों बस इतना ही आपको बताना था, और अगर आपको राशन कार्ड बनाना है तो प्लीज़ जल्दी से अप्लाई कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी 5 लाख नाम नया जुड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और कुछ डाउट या समस्या है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।